ये है सोन चाफे का झाड़। ये 3 साल का हो गया ये पौधा, ये इतना बड़ा हो गया है। अभी इसको इस बार ना दूसरी बार फूल आए हैं। इस पेड़ के नीचे खड़े होना तो अगर 4 फूल भी रहेंगे ना तो इतनी सुंदर खुशबू आती है। ये देखो मैं दिखा रही हूँ पेड़ों में से, ये देखो ये झांक रहा है सोन चाफा, बहुत सुंदर खुशबू होती है इसकी। ओए होए बहुत ही प्यारा, अभी ऊपर तक लग रहे हैं ये, थोड़ा ऊँचा चला गया है। इसके नीचे खड़े जाओ ना, इतनी सुंदर खुशबू आती है, चेयर डाल के इसके नीचे बैठ जाओ। अभी तो मैंने एक स्टूल पे खड़ी हूँ क्योंकि ये बहुत ऊंचा पौधा है तो मेरे को ये तोड़ने थे यहाँ से। अरे और आज तो देखो, आज तो ये भी खिला है हमारे यहाँ, एक इंसुलिन का जो पौधा है मेरा, उसको भी फूल आया है। इधर से एक ही दिख रहा है और ये मैं ऊपर से गार्डन का एक छोटा सा व्यू दिखाती हूँ। ये है ब्राह्मी जो गमले में दिख रही है, ये वच, और ये इधर शैम्पू वाला पौधा देखो, इसको कितने बड़े बड़े पत्ते आ गए। इस बार इसको जब इसके कंद आएंगे ना वो भी मैं दिखाऊंगी। और आज फ्लावर्स में अपराजिता सफ़ेद वाली देखो मेरी, ये ऊपर तक थोड़ी बेल गई हुई है, और ये जामनी वाले अभी अंदर अंदर है ना, ये देखो मस्त सुंदर सुंदर। और ये ऊपर से मेरे यहाँ ये कपूर तुलसी, ये श्याम तुलसी बीच में दिख रही है, इधर पे ये मेरी हरी वाली तुलसी लगी हुई है, ये पीछे बासमती ये जो चावल है उसकी खुशबू आती है, उसके लिए हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं। अभी इधर पे कुलिंजन का ये तेज पत्ता, ये सब बस थोड़ा थोड़ा है, आज बड़ा अच्छा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। ये गूगल का एक दूसरा पौधा मेरा, उसके पीछे मधुमालती उगा हुआ है, वो बाहर से दिखता है थोड़ा, है ना। ऐसे पेड़ों में 10-15 मिनट बैठ जाओ, घूम लो फिर लो तो बड़ा फ्रेश लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये ऊँचे पे वो सिंदूर का पेड़ जो दिख रहा है मेरा, देखो अभी उसको छोटे छोटे बिंदे बिंदे आ रहे हैं, इसको भी एक दिन वीडियो बनाऊँगी इसका।